सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, एलिमेंट्स हैं उसके 0, -10θ/2, देन 10θ/2, 0, देन शो दैट i+a का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स को मिला के जो हमें मिलता है वो मिलेगा i-a इंटू में ये पूरी मैट्रिक्स। एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये इस चैप्टर के अंदर, बहुत बार हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन ने पूछा भी गया सवाल वाला डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। सो देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सवाल को वैसे वैसे आप लोग भी अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करते रहिए, ताकि कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप लोग आराम से रेक्टिफाई कर सके उस मिस्टेक को, ठीक है। और एक और चीज़, मैं इस सवाल को पार्ट बाय पार्ट करूँगा, तो हो सकता है मैं काफ़ी छोटा लिखूँ इस सवाल में, ताकि एक बोर्ड में पूरा पूरा सवाल सॉल्व हो जाए हमारे पास। इस सवाल को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मेरे तरीका देखिए आप लोग, ये तरीका काफ़ी आसान है। और भी तरीके हैं इस सवाल को करने के, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अपने लेक्चर्स में, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाला पार्ट i+a, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इसका। सो i+a का मतलब हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 प्लस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारी है 0, -10θ/2, देन 10θ/2 एंड 0। सो सॉल्व होकर हमको मिलेगा ए, i+a वो मिलेगा 1 + 0 इज़ 1, देन -10θ/2, देन 10θ/2 ओनली एंड अगेन 1। सो इस चीज़ को आप प्लीज़ बॉक्स में डाल लीजिएगा, ताकि बाद में जब हम इसको प्रूफ लिख सकें तो इसका हम यूज़ कर सकें, ठीक है। ऑल्सो हमें रिक्वायरमेंट इसकी ही पड़ेगी, तो क्यों ना हम इसको भी निकाल लें। ऑल्सो i-a भी हमें निकालना है, तो i-a का मतलब हो जाएगा 1001 मल्टीप्लाइड बाई 0, -10θ/2 एंड 10θ/2 एंड 0। सो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बन के आएगी i-a वाली, वो मिल के आएगी हमें, माइनस लगाना बीच में हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 - 0 इज़ 1 - 0 इज़ 1, 1 0 माइनस में ये हो जाएगा प्लस का बन जाएगा 10θ/2, देन 0 माइनस में ये तो माइनस का बन जाएगा 10θ/2 एंड 1 - 0 इज़ 1। तो इसको भी आप प्लीज़ बॉक्स में रख लीजिए अपने पास, ताकि ये भी हमारे पास काम आ सके, ठीक है ना। नाउ क्यों ना हम इस पूरी वैल्यू को इवेल्यूएट करें, और अगर ये पूरी वैल्यू इवेल्यूएट होकर हमारे पास इसके बराबर आ जाती है, इस फर्स्ट के बराबर आ जाती है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो हम किसको सॉल्व करते हैं, नाउ हमें निकालना है i-a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू। सो हमने i-a निकाला हुआ पहले से, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे पास, क्यों ना हम इसको यहाँ लिखें। सो ये हमारे पास हो जाएगा एक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 10θ/2, देन -10θ/2 एंड 1 multiplied by cos theta, माइनस का साइन थीटा एंड साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा, ओके। आप लोग भी मेरे साथ साथ चलते रहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने बस पिक पुट करी है यहाँ पे। अब मेन काम हमारा मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, तो हमें रो पिक करनी है फर्स्ट, कॉलम पिक करना है फर्स्ट, एलिमेंट लिखना है हम लोगों को यहाँ पे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको हम लोग। तो 1 * में कॉस थीटा हमारे पास आया कॉस थीटा, देन प्लस में 10θ/2 इंटू में साइन थीटा, ओके। फर्स्ट एलिमेंट हमने निकाल लिया, देन 1 * में माइनस साइन थीटा इज माइनस का साइन थीटा एंड प्लस 10θ/2 इंटू कॉस थीटा, देन माइनस का 10θ/2 इंटू कॉस थीटा एंड प्लस 1 * साइन थीटा इज साइन थीटा। देन हम लोग करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10θ/2 इंटू में साइन थीटा प्लस 1 * कॉस थीटा इज कॉस थीटा। सो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वाली चीज़ मिली, ठीक है। अब यहाँ से ये सवाल बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, तो आप मेरे तरीके को फॉलो कीजिए, वो तरीके काफ़ी आसान है, ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अब इन सारे नंबर्स को
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। कॉस थीटा क्यों, इसको हम लोग क्यों ना कॉस थीटा बाई टू से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू। हमने इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया कॉस थीटा बाई टू से। तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है वो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा सबके साथ, और डिवाइड वाला पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन में कॉस थीटा बाई टू यहीं रह गया, मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या मिलता है हम लोगों को, जब यहाँ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा वो, तो हमारे पास मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू प्लस, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जहाँ जहाँ भी टेन थीटा बाई टू है वो ब्रेक हो सकता है साइन थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू से, और वो कॉस थीटा बाई टू उस वाले कॉस थीटा टू बाई टू को काट देगा जो हमने भी मल्टीप्लाई किया वहाँ पे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा। दोबारा सुन लीजिए इस चीज़ को, हमने हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया कॉस थीटा बाई टू से, कॉस थीटा बाई टू डिवीजन वाला यहीं रह गया, मल्टीप्लीकेशन वाला हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। बट यहाँ पे जब टेन थीटा बाई टू साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तो साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू आएगा, और कॉस थीटा बाई टू उस जो मल्टीप्लाई वाला कॉस थीटा बाई टू है उसको काट देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक साइन थीटा टू बाई टू बचेगा इसका, और हमारे पास साइन थीटा पहले से ही था यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बाई टू प्लस, ये चेंज होगा साइन अपॉन में कॉस से, और कॉस थीटा बाई टू वाला पार्ट कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा। ओके, नाउ अगेन कॉस थीटा बाई टू मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे भी कट जाएगा वो चीज़, क्या बचेगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू। अगेन यहाँ भी सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में आएगा हमारे पास, सो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ें आई। यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा सा रब करूँगा बोर्ड को ताकि यहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ें लिख सकूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, मैं ये वाला पार्ट रब करूँगा। ठीक है, और आप लोग इसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये चीज़ मिली है हम लोगों को। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम हर एक टर्म को देखें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले बनेंगे, या तो वो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का होगा, या वो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का होगा, या वो फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का होगा, या वो फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का होगा। तो हमें सबको पता है कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद रखिएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हम आराम से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो वाला। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वन अपॉन में कॉस थीटा बाई टू, एंड देन आई कैन राइट दिस टर्म एज कॉस, एंगल ए कौन सा एंगल है, थीटा वाला मैंने, ठीक है, थीटा माइनस में थीटा बाई टू। ओके, अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, और ए यहाँ पे थीटा बाई टू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस बी। ओके, देन यहाँ ध्यान से देखिए फिर से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगेन ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का हुआ, लेकिन यहाँ पे ए एंगल थीटा माना जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का मतलब थीटा माइनस थीटा बाई टू। ओके, सबको सही है। देन हमारे पास फॉर्मूला ध्यान से देखिए, कॉस कॉस की दो टर्म्स है, साइन साइन की दो टर्म्स है, अगेन ये फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का बन सकता है, बिकॉज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का मतलब होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का मतलब थीटा माइनस थीटा बाई टू। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन के आई। ठीक है, ध्यान देख लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कॉस थीटा माइनस थीटा बाई टू का है, ये फॉर्मूला हमारे पास साइन थीटा बाई टू माइनस थीटा का है। सबको सही लग रहा है, आप भी वेरीफाई करते रहिए साथ साथ। सो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग। सो ये हो जाएगा वन अपॉन में कॉस थीटा बाई टू, एंड देन कॉस
थीटा माइनस थीटा बाई टू करने पे आपको थीटा बाई टू मिलेगा बिकॉज एक में से आधा पार्ट जा रहा है. सो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू. देन साइन थीटा बाई टू माइनस थीटा करने पे आपको मिलेगा माइनस का थीटा बाई टू बिकॉज हाफ में से वन पार्ट जा रहा है. और आप सबको पता है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल होता है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है और एंगल वहीं रह जाता है. तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा बाई टू. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा माइनस थीटा बाई टू. तो यहाँ पे तो पॉजिटिव एंगल ही है, सो इसका आंसर आएगा हमारे पास साइन थीटा बाई टू. एंड देन अगेन कॉस थीटा माइनस थीटा बाई टू का मतलब आप इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा बाई टू. सो यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू हमारे पास आ गया. नाउ आपका लास्ट टास्क है इस कॉस थीटा बाई टू को सबके साथ डिवाइड करना. तो हमें क्या मिलेगा देखिए फटाफट, हमें मिल जाएगा कॉस थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू इज वन. माइनस का साइन को अभी इग्नोर कीजिए, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू इज टेन थीटा बाई टू. और माइनस साइन भी लगवा तो माइनस का टेन थीटा बाई टू. देन साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू इज टेन थीटा बाई टू. एंड कॉस थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू इज वन. तो आप ध्यान से देखिए ये पूरी चीज़ जो हमारी इवेल्युएट होके आई है वो बराबर है इस पूरी चीज़ के, इक्वेशन वन के, विच इज इक्वल्स टू वॉट, विच इज इक्वल्स टू आई प्लस ए. हेंस द क्वेश्चन इज. इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास और भी तरीके हैं, ये तरीका सबसे आसान लगता है मेरे को इसलिए मैंने आपको ये सिखाया. ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग प्लीज़ दो तीन टाइम्स कर लीजिएगा, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया सवाल वाला. ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अपनी.